नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लाइव टीवी समाचार में। मैं हूं आपके साथ मंजू रुधियाल। बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की तरफ। बार एसोसिएशन चुनाव रद्द होने के बाद गोली चलने से एक अधिवक्ता गौतम दत्ता घायल। कानपुर बार एसोसिएशन चुनाव रद्द होने के बाद गोली चलने से एक अधिवक्ता गौतम दत्ता घायल हो गए। कचहरी परिसर में हुई घटना के बाद घायल अधिवक्ता को तुरंत उर्सला अस्पताल भेजा गया, जहां से इलाज के लिए उन्हें हैलट अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना के बाद पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। पुलिस कमिश्नर असीम अरुण सहित अधिकारियों ने मौके पर मामले की छानबीन की। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल की जाँच कर साक्ष्य जुटाए। पुलिस कमिश्नर असीम अरुण के मुताबिक मौके से 315 बोर का खोखा बरामद हुआ है। पुलिस का मानना है कि मतदान और इस गोलीकांड का आपस में कोई संबंध अभी तक सामने नहीं आया है। गोली चलाने वालों के नाम औपचारिक रूप से सामने आ रहे हैं। तहरीर मिलने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। पुलिस के लिए सभी लोग सम्मान है, अपराध करने वाला कोई भी उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि भविष्य में दोबारा होने वाले मतदान के लिए एल्डर्स कमेटी के साथ बैठक करके आगे की रूपरेखा तय किया जाएगा। लाइव टीवी समाचार के लिए जिला ब्यूरो चीफ अमितांश कश्यप की रिपोर्ट। मंत्री जी, क्या घटना हुई है, कौन-कौन घायल हुआ ये बताइए। जहाँ पर गोली चलने की सूचना आई, जिस पर मैं यहाँ आया हूँ, गौतम दत्ता हमारे दत्ता साथी हैं, उनके पेट में गोली लगी हुई है, ये गेट नंबर 3 पे, यहीं पे, तो वो इस समय उर्सला में भर्ती हैं। मतलब ये चुनाव के दौरान ही लगी? ये शाम को 7 बजे के आसपास घटना है। चुनाव हो चुका था और हमारे यहाँ रिपोल का इंटर कमेटी निर्णय लिया था, उसके बाद ये 7 बजे घटना है। वो इंटर कमेटी और वगैरह दत्ता यहाँ से जा चुके थे। नहीं, ये अधिवक्ता नहीं है कोई, ये पता लगा कोई बाहरी लोग थे। अब ये कैसे गोली लगी क्या है, ये तो CCTV फुटेज तक आ जाएगा, क्योंकि यहाँ दो तरफ कैमरे हैं, तो उसके बाद ही घटना का पर्दाफाश और खुलासा हो जाएगा। बात करती कि सजा मिलनी चाहिए ना? बिल्कुल बिल्कुल, अरे बिल्कुल, दोषियों चाहे वो अधिवक्ता हो चाहे वो ना हो, दोषियों को सजा हमेशा मिलनी चाहिए। क्या हुआ है, पुलिस क्या कार्रवाई जी? आज कानपुर में बार का चुनाव था, जो कि चुनाव कुछ विवादों के कारण रोका गया और उसके बाद में इसको दोबारा करने का निर्णय एल्डर्स कमेटी, जो वरिष्ठ अधिवक्ताओं की समिति आयोजित कराती है, उन्होंने लिया। ये निर्णय लगभग 5 बजे के आसपास हुआ और करीब 7-7:30 बजे घटना यहाँ पे हुई। हम लोग खड़े हैं यहाँ पे, एक माननीय अधिवक्ता हैं, उनके पेट में गोली लगी है और मौके से एक 315 का कारतूस भी अभी पुलिस ने रिकवर किया है। इलाज उनका कराया जा रहा है हैलट हॉस्पिटल में और डॉक्टर्स देख रहे हैं। यहाँ पे मौके पे जो अभी तक जानकारी हम लोग को आ रही है कि जो इलेक्शन अंदर हो रहा था, उससे कोई सीधा संपर्क इस बात का अभी तक नहीं मिला है, अभी तक कोई तहरीर भी प्राप्त नहीं हुई। जैसे इसकी शिकायत प्राप्त होती है, जो दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। घायल बताया किसने मारा गोली, पता होगा जी? ये बयान अभी कुछ चश्मदीद गवाह हम लोग को मिले हैं, जो मजरूब हैं उनसे भी बातचीत हो रही है और जैसे ही तहरीर प्राप्त होती है उसके आधार पर कार्रवाई होगी। फिलहाल यहाँ पर शांति है, लॉ एंड ऑर्डर कोई समस्या नहीं है और पुनः जब चुनाव कराया जाएगा तो इस बार और ज़्यादा नियमों का पालन कराया जाएगा। इस बार जो चुनाव हैं, जैसे हमारी जानकारी है कि इसमें यह व्यवस्था थी कि एल्डर्स कमेटी और अधिवक्ताओं द्वारा स्वयं ही कचहरी के अंदर की व्यवस्था की गई थी, तो दिन की व्यवस्था में कुछ अव्यवस्था हुई है, जिसकी वजह से रीपोल का निर्णय लिया गया और शाम की ये घटना है, जो कि अभी क्लियर नहीं है कि उसकी वजह से है या कोई और कारण है। बट जो भी हो, दोनों ही परिस्थिति में हमको दोबारा जब रीपोल होगा या रीइलेक्शन इनफैक्ट बोले, तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था करनी होगी जिसमें कि ऐसी चीज़ ना हो। सर, हर अधिवक्ता कह रहा है कि जो दोषियों पर कड़ी कार्रवाई, लेकिन इसके पहले भी जो चुनाव होते रहे हैं उसमें भी इस तरह हिंसक घटनाएं होती थी, तो क्या पुलिस मतलब कोई रिपोर्ट भेजेगी शासन को या कड़ी कार्रवाई किस तरह से करेगी? नियम सबके लिए बराबर हैं और कचहरी में जहाँ जो न्याय का मंदिर है वहाँ तो नियमों को पूरी सख्ती से लागू किया जाएगा। जिसने ये गोली मारी है उनके नाम हम लोग को अभी अनौपचारिक रूप से प्राप्त हुए हैं, जैसे ही हमें तहरीर प्राप्त होती है हम एविडेंस कलेक्ट करेंगे और कार्रवाई करेंगे। इसमें किसी को बख्शने की बात, क्योंकि वो लॉयर है या नहीं है, प्रश्न ही नहीं उठता, कानून सबके लिए बराबर है और वैसे ही कार्रवाई होगी। सर, आपसे कुछ अधिवक्ता भी बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि कुछ बाहरी आउटसाइडर जो वकील नहीं है तो उनके ऊपर किस तरह से नकेल कसी जाएगी? जो आज का चुनाव था इसमें एक्सेस कंट्रोल जो है वो बार द्वारा ही किया गया था, जो कि हमने पहले भी सुझाव दिया था कि जो जैसे किसी भी चुनाव में होता है, लोग आते हैं, वोट देते हैं और चले जाते हैं, भीड़ नहीं लगना चाहिए, किंतु यहाँ पे भीड़ रही है, पिछले सालों में भी रही है। अब इसके बारे में पुनर्विचार किया जाएगा, जिस प्रकार और चुनाव होते हैं उसी तरीके से पूरे व्यवस्था के साथ बिना भीड़ के चुनाव होगा तो कोई समस्या नहीं आएगी।